माइंस इन फॉल्स का पेंशन वृद्धि के लिए बिहार में प्रदर्शन चल रहा है और कोल माइंस में जो काम करते हैं कर्मचारी उन पर CNPS 1998 लागू है और पिछले 25 साल में 1998 से यह लागू है, पिछले 25 साल में एक्सपायरी पेंशन वृद्धि नहीं की गई, उनके पेंशन वृद्धि के लिए यह हम लोग करते हैं। ये कहाँ कहाँ से धरने में लोग आए हैं? इस धरना में करीब 13 स्टेट से लोग आए हैं, केरल से, आंध्र प्रदेश से, कर्नाटक से, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल आदि राज्य। यह धरना के लिए आप काशी ही क्यों चुने? यह काशी इसलिए चुने हैं कि बाबा भोले की नगरी है और इसके जो प्रधान हैं, इसके सांसद हैं आदरणीय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और नरेंद्र मोदी जी सबका कल्याण करते हैं, तो हम अंतिम में उन्हीं के पास आए हैं याचना करने कि हमारे कोल पेंशनर्स का पेंशन बढ़ाएँ और उनका जो डिमांड है उसको पूरा करें। पेंशन कितनी मिलती है और उतनी पेंशन में क्या किसी का गुजारा हो सकता है? पेंशन अलग अलग स्तर पर मिलता है, लेकिन हमारे 50,000 लोग ऐसे हैं कर्मचारी जिनको 1,000 रुपया से कम पेंशन मिलता है और उसमें गुजारा करना मुश्किल होता है। कुछ लोगों को ज़्यादा भी मिलता है, तो हम यह धरना का उद्देश्य मेरा है कि सरकार एक फॉर्मूला बनाए जिससे कि महंगाई के साथ यह हमारा पेंशन जैसे जैसे महंगाई बढ़े पेंशन की राशि भी बढ़े। या प्रधानमंत्री कार्यालय में ज्ञापन भी देना है? प्रधानमंत्री कार्यालय में अभी हमारा टीम जाएगा, हर राज्य के रिप्रेजेंटेटिव जो आए हैं, केरल से, आंध्र प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, हर जगह के रिप्रेजेंटेटिव जाएंगे। अभी 2 बजे जाएंगे वहाँ प्रधानमंत्री कार्यालय में ज्ञापन। आपको कई विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि आप काशी में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मोदी जी को विशिष्ट मान रहे हैं, क्या आपके आशाओं पर वो खड़े उतरेंगे? हमको पूरा विश्वास है, हमारे जितने भी धरनार्थी हैं सभी को विश्वास है कि मोदी जी हमारे मांग को पूरा करेंगे और किसी को मोदी जी निराश नहीं करते। जैसे भोले बाबा किसी को निराश नहीं करते हैं, भोले बाबा से जो भी मांगता है लोग याचना करता है वो पूरा करते हैं। आज से नहीं, कई सालों से आप लोगों की ये मांग चल रही है और धरना भी दे रहे हैं, तो क्या अब क्या क्यों ऐसा लगा कि मोदी जी अब सुन लेंगे, पहले क्यों नहीं सुने? नहीं, धरना हम देते रहे हैं, हर धरना के बाद कुछ न कुछ प्रगति हुई है और यह अंतिम प्रगति के आदरणीय मोदी जी के क्षेत्र में आए। तो इसके पहले भी तो मोदी जी प्रगति कर सकते थे? कर ही रहे हैं, मोदी जी का मतलब हुआ है, लेकिन अपेक्षित सुधार जो होना चाहिए था पेंशन वृद्धि के लिए।